शुरू करते हैं। हम हैं पार्किंग बे में, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क हुई है। अब ये होता सवाल उठता है कि अब मैं आया कहाँ हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक शादी में आया हूँ, और मेरे ठीक पीछे जो कोहिनूर पैलेस है, हम वहाँ आए हैं। और इसके आगे जो आपको बात पता चलेगी कि इसके आगे मैं किससे मिलने वाला, कौन कौन है, किसकी शादी है, ये सारी चीज़ें होंगी इस व्लॉग में। सो अनटिल एंड अनलेस आप लास्ट तक रहना, ठीक है? लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। शादी में आया हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्यों खा रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो आपको जाननी चाहिए। बट एज अ व्यूअर आपको ये चीज़ें रहनी चाहिए कि इस व्लॉग में आपको क्या मिल रहा है। सो आई एम इन अयोध्या, मैं अयोध्या में, और मेरे पीछे जो है कोहिनूर पैलेस है। ओके सो ये जो कोहिनूर पैलेस है, इसमें आपको रूम भी अलॉट किए जाते हैं। ये हुई काम की बात। ओके बाकी जो है मौज मस्ती करते हुए मैं जो चीज़ें बताऊँगा, प्लीज़ आप वीडियो को जो ध्यान से देखना। कोहिनूर पैलेस में आपको रूम मिलता है, इसमें मैं रेट आपको बताने वाला हूँ। बाकी जो है मेरे एक लोग आए हुए हैं, मेरे छोटे सब्सक्राइबर, हाय बोलो। हेलो गाइस, प्लीज कॉल सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए आकिब भाई के चैनल को। ओहो थैंक यू सो मच, देखो बच्चा कह रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। देन आफ्टर मैं आपको चीज बता रहा हूँ, कोहिनूर पैलेस बहुत ज्यादा पुराना। ओके वैसे तो ये चीज़ें पुरानी इसलिए हैं क्योंकि एक हेरिटेज में आता है कि ये जो है ओनरशिप किसी और की होती है। ये सब बातें बाद में, बट इस चीज़ में जो है वो एक चीज़ है कि इसमें जो है आपके लिए रूम मिलता है। जो अयोध्या में आते हैं ना, उनके लिए रूम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। इस कोहिनूर पैलेस में आपको जो रूम अवेलेबल है, अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ। अंडर मैं रिसेप्शन के साथ जो है थोड़ी सी वार्तालाप करके आपको कुछ चीज़ें जो है जानकारी के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा तो नहीं, बट बताऊंगा जरूर। तो अंटी नैनलेस आप रहे, अभी जो है मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ लोग आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ। देखो मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं कुछ अलग अलग हूँ, तो मैं अभी जाने वाला हूँ लोगों के साथ जिनके साथ मेरा उठना और बैठना होता है, जैसे आप लोगों का होता है वैसे मेरा भी होता है। तो मैं चलूँगा अभी, देन आफ्टर आप समझ। चलने में जिस दोस्त की मेरी शादी है उस स्टेज पे, और काफ़ी खाली खाली लग रहा है क्योंकि टाइम हो गया है। तो अभी हम चलेंगे स्टेज पे और जो भी कुछ होता है बताते हैं। लोग से मिलवाना चाहता हूँ, आपको मेरी वीडियो पता चली होगी कि जो ट्रेन वाली वीडियो थी वो यही थी, बोलिए आए। तो अभी जो है मेरे पीछे आवाज़ चले वो है निकाह पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मजा लें आप। हर लड़की और लड़के का एक स्पेशल दिन आता है जिसका नाम है शादी का दिन, और आज हैं हमारे एक दोस्त, इनकी आज शादी है और हम उनमें अटेंड करने आए हैं। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, कैसे हो आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे। आवाज़ जो होगी थोड़ी सी धीमी होगी, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है क्वालिटी अच्छी दी जाए क्योंकि ज़्यादा भीड़ है। ये देखो ये पूरे लोग बैठे हुए हैं, लाइटनिंग अच्छी आ रही है, वॉयस अच्छी आ रही है, और हमारे दोस्त जो हैं वो भी अच्छे हैं लोग हैं। तो वीडियो की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हो ये सारे लोग एकदम हरे पड़े हैं, और हमारे जेपी भाई भी हैं। जेपी भाई आए, बोलो देखो क्या खा रहे हैं जेपी भाई। और ये हैं सोनू भाई, हाय बोलिए सोनू भाई। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी जो है वो खाने में लोग मशरूफ़ हैं, ठीक है? नाश्ते में तो काफ़ी भीड़ है। मैं कैमरे के पीछे का रियर कैमरा दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।
अब जो है हम नीचे आ गए हैं, स्टेज के नीचे आ गए और जेपी भाई भी हमारे साथ आ गए। तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। मतलब जेपी भाई कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो जेपी भाई का ये सबसे पहला था कि वो दूल्हे के साथ बैठे थे, उनको काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक 5 मिनट बैठे थे। तो शुरुआती दौर में मैंने बताया कि कोहिनूर पैलेस के बारे में बात करेंगे। तो कोहिनूर पैलेस क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना एक हेरिटेज टाइप का पैलेस है, जिसमें बहुत सारे लोगों की शादियां और बहुत सारे मैरिज पार्टीज, बहुत सारे जो हैं इवेंट्स कराए जाते हैं। और देन उसमें क्या होता है कि जो ट्रैवलर होते हैं, जो अयोध्या में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे रूम की भी अवेलेबिलिटी होती है। इस वीडियो में जो है हम बता रहे थे कि कहाँ पे ये स्थित है, इसके रूम के रेट क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले कोहिनूर पैलेस जो है वैदेही नगर फैज़ाबाद में है, जो कि अजय नरेंद्र स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और ये जो है आपका देवा हॉस्पिटल के बगल में स्थित है। इसमें जो रेट की बात करते हैं, तो रेट जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देना चाहता हूँ, जो कि स्क्रीन पे देखिए। डिफरेंट डिफरेंट साइट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है रेट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैंने बात की लोकल से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना और बहुत ही ज़्यादा वेल सर्विस है इनकी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड चीज़ है कि इनका खुद का एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है kohinoorpalace.com पे। उस पर आप बुकिंग भी कर सकते हैं, उनके रिजर्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सो अब मिलते हैं। रात के बज रहे हैं 10:44 और मुझे जो पता चला वो मैंने बताया उस तरह से वॉइस ओवर करके। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा आइसक्रीम मैंने खाई, उसकी वजह से वो चीज़ें हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा शोर होगा, तो 10:44 हो रहे हैं और अब हम जो है इस वीडियो को जो है एंड करते हैं इसी जगह। हमारे साथ जो है अंग्रेज वाले सब्सक्राइबर ये हैं। हेलो, सो प्लीज़ से सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई ब्रदर चैनल प्लीज़। सो वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं। आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा, आई थिंक जो है मैंने कुछ जानकारियाँ आपको दी होंगी। इफ़ यू आर कमिंग टू अयोध्या, आप कोहिनूर पैलेस में ज़रूर स्टे करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी दिन प्रॉपर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, इफ़ देयर इज़ एनी थिंग। सो वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, अब हमेशा खुश हैं, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए फ्रेश कमाल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, बाय। आई के पान बनारस वाला, आई डोंट नो ये अयोध्या वाला है बट बनारसी वाला है। आ रहे हैं अरे वो वाला खाते ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, बाकी पान बहुत अच्छे हैं। और हम चलते हैं अब सीधे घर पे।